सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सुख व्यक्ति के अहंकार और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी का बेहतर करूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। आज का पंचांग 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि, सुबह 5:48 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:27 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। मेष राशि 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार, आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। बस आपकी समझ और शिष्टता से प्रभावित होंगे। खूब प्रशंसा मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें। इससे आपके सामने नए अवसर भी खुलेंगे। आज आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व खुलकर लोगों के सामने आएगी तथा आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से संपन्न करेंगे। आपके विरोधी आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। समाज में भी मान सम्मान बना रहेगा। अपनी एकाग्रता बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन नजरअंदाज ना करें। उदासीनता हावी हो सकती है। आप अपने काम ठीक से करने की कोशिश करें। काम में नयापन लाने के लिए खुद होकर प्रयत्न करने होंगे। जितना खुद की बातों पर ध्यान देंगे उतनी सफलता से रिलेशनशिप संबंधित बातें सकारात्मकता होती नजर आएगी। आंखों से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। अभी आप अकेला महसूस भी कर सकते हैं। कोई मुद्दा आपको परेशान करेगा, जैसे कोई सेहत से जुड़ा या कोई रहस्यमय जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टरों और बुजुर्गों से सलाह लें। अपने सपनों को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपकी अवचेतन क्या बताती है। अनौपचारिक प्रेम प्रसंग से बचें। आज आप सामाजिक संबंधों का आनंद लेंगे। एक समान सोच वाले लोग आपको आकर्षित कर सकते हैं। आप में से कुछ सामाजिक कल्याण और भलाई के कामों में ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने दोस्तों को आपके जीवन में उनके महत्व के बारे में बताएं। ध्यान रखें, जब तक आप किनारे को नहीं छोड़ते तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। सावधानियां, अपने बजट का ध्यान जरूर रखें क्योंकि अभी आय के स्रोत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और घर से संबंधित किसी कार्य में अपनी फिजूल खर्ची हो सकती है। इस समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे। बच्चों की किसी समस्या को लेकर कुछ आपसी वाद विवाद हो सकता है। अच्छा, आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएंगे। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए नहीं कि वे खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि इसीलिए कि आप उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी
खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट हैं, उनके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, उनके बारे में आज कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती है। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल ना खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।